118 पे आ जाते हैं। क्या तू हमारे दर्शकों को सेम चीज बताना पसंद करेगा जो चीज तूने बिहाइंड कैमरास बताई? प्लीज प्लीज एक बार। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक हम अभी फील्ड लेवल पे, हमारा टैक्स वैक्स का सब स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ प्रोफेशनल है तो इजी रहेगा ना, क्योंकि इसका एडवांस ही तो करना है। अच्छा, मैं बराबर चाहता बताइए। हूँ कि नहीं, मतलब जो भी इंसान, इजी है बट उसको अगर अच्छा टीचर पढ़ाएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात यह है कि कोई वीडियो देखेगा नहीं जो बंदा ऑलरेडी कर रहा होगा ना क्यों एडवांस का, वो वीडियो तो देखेगा ही नहीं। तेरा नहीं देखेगा? एफआर का क्यों, अभी ये टैक्स का क्यों देखेगा जो बंदा ऑलरेडी एडवांस में पहुंच चुका? मैं लिख दूंगा इट इज एप्लीकेबल फॉर 2024। ट्रेडिंग प्रॉफिट That has been accessed for MSCI long. एक गेम है हायर लोअर, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ एग्जाम के बाद जो अपन खेल सकते हो। हायर लोअर का देख, सुना है क्या तूने कभी ये गेम? नहीं, पीसी का है कि फोन का? पीसी है, मैं तो शेयर करूंगा ना स्क्रीन उसका। सही है। चल बहुत फालतू है ना, बहुत मजा भी आता है। चलो, मेरे पेंटर में बढ़िया ट्रेड होगा, सबसे पहले गैलरी बनाता हूँ वर्किंग हमेशा। बुक में सबसे पहले थे तो इनको स्टार्ट हुआ था ये तो 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023, June 20। 1 मिनट, 21 and 2, June 20, June 21, June 22, तो अभी यहाँ पे हम वर्किंग बना देते हैं। वर्किंग वर्किंग नोट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इन अकाउंटिंग ईयर एलोकेशन, Two 5 2 0। अभी यहाँ पे कैसा रहता है, टैक्स ईयर अपॉन अकाउंटिंग ईयर, मार्च 3 महीना, टैक्स ईयर अपॉन अकाउंटिंग ईयर जून का एंड है, तो 6, तो यानी कि 1 2 6 0 आ गया इस चीज का अमाउंट। फिर अभी लास्ट में बच जाता है, अभी
अभी ये 2,5,200 का आएगा ये प्लस, अरे नहीं, 9,200 रिमेनिंग 6 मंथ्स। अभी हमें जो रिमेनिंग 6 6 मंथ्स है वो हमें अगले इसमें से उठाने पड़ेंगे, जो 27,600 उस प्रॉफिट में से हम अगले 6 मंथ उठाएंगे। तो दिस गिव्स अस अ टोटल ऑफ दिस, तो आ गया ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट विच हैव बीन असेस्ड बाय एनएस स्टाइल असेस 9 to 19 2023 1920 to 2022 2023। देखो लास्ट के जो 2 ईयर के प्रॉफिट है ना वो तो मतलब क्या बोलते हैं सीवाई भी ही रहेंगे, करंट ईयर बेस्ड वही रहेंगे सीवाई बी। सीवाई बी और यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं कि इस चीज का यहाँ पे लिंक दे देंगे H8 का ये भी हो गया। एंड बाय द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रॉफिट, ओके द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रॉफिट्स आर, ये ढूंढना है खाली। एक काम करो मैं इसका वर्किंग है ना इधर बंगाल देता हूँ, सो दैट कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, मुझे ढूंढना है अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रॉफिट्स। ओवरलैपिंग प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स आर, ओवरलैपिंग प्रॉफिट जैन से हम जून तक जा रहे हैं और फिर लगता है अप्रैल से अप्रैल तक जा रहे हैं, तो अप्रैल से जून तक मतलब के बीच में क्या होंगे मोस्टली। अच्छा ओवरलैपिंग प्रॉफिट वुड बी अप्रैल में जून में, फिर 3 महीने के होंगे 3/12 विद जून एज द, जून 20 को क्या था 2,520, तो रहता है 2,520 2,520 दिस इज टू लो, दिस इज दिस ओवरलैपिंग का प्रॉफिट आर टू लो। क्या चेक करना पड़ेगा ओवरलैपिंग प्रॉफिट से आंसर। स्टाइल आंसर इज 12,600, 39,000, 27,600 और ये 31, वो तो बराबर है प्रॉफिट डेटा टैक्स चॉइस। अब ये ढूंढना है तो जैन टू अप्रैल और फिर जुलाई 20 टू दिसंबर 20, तो दीज आर द ओवरलैपिंग प्रॉफिट। कांट दीज बी एज गुड एज रिड्यूसिंग द फर्स्ट ईयर माइनस, क्योंकि मैं बस सोचा था कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को इस वजह से माइनस कर दूं एंड दैट टेक प्लेस, मैं तो वो चेक करना चाहता हूँ। हाँ इस केस में मुझे लगता है 12,26,400 होगा, लेकिन आई डोंट थिंक हर केस में ऐसा होगा कि हमें ओवरलैपिंग प्रॉफिट सेकेंड ईयर से फर्स्ट सेकेंड मैस्टर ने फिर जो बीच का बचा वो ओवरलैपिंग प्रॉफिट हो गया।
इस क्वेश्चन अच्छा हो रहा है क्योंकि आई थिंक द फर्स्ट ईयर इज शॉर्टर देन द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर इज ऑलवेज 12 months, ये तुमको पता है. सी द 6 months दैट वी हैव टेकन, इसको एक और मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. और द 6 months दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द रिमेनिंग, बराबर ना, 6 months दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द फ्यूचर, फ्यूचर नहीं बोल सकते लेकिन फ्रॉम 21-22, फ्रॉम 21-22 इज बेसिकली दिस 13,800, राइट. हमने इतने महीने नेक्स्ट मंथ से उठा है और हमारे 2520 में ऑलरेडी ये वाला फिगर आ रहा था. तो कैन दिस बी द आंसर कि 2520 प्लस 12,600 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ओके वी गेट द सेम आंसर. सो ये बेसिकली ओवरलैपिंग प्रॉफिट होते हैं कि इस केस में, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर बी पे जाते हैं अभी. कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेबल बाय NSTEL फॉर टैक्स ईयर 2022-23. ये भी आंसर बी, आई थिंक सेम आंसर के लिए है. 2022-23 के लिए, तो यानी कि हमने जून 2022 के प्रॉफिट्स लेने हैं 31,315. या बी पार्ट एग्जाम में ऑब्वियसली नए सीखना आएगा, इतना नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिविडेंड्स मैंने रिसीव डिविडेंड्स ऑफ 5,200, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट ऑफ 700, इंटरेस्ट फ्रॉम ISA, इंटरेस्ट फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ NSI सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्टॉक्स. ओके, इनमें से क्या एग्जेम्प्ट और क्या टैक्सेबल था पहले वो ढूंढना पड़ेगा. गिल्ड्स, आई थिंक गिल्ड्स तो टैक्सेबल था यार. ISA और NSI, मैच्योरिटी की बात आ गई तो NSI तो टैक्सेबल नहीं है. ISA मुझे लगता है टैक्सेबल है. बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट इज टैक्सेबल मेरे हिसाब से. बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट इज 700. नाउ वी कम डाउन टू ISA एंड NSI. ISA एग्जाम में कॉपी पेस्ट करेंगे. ओके, वर्किंग यहाँ पे दिखेंगे. कौन सा क्या था वो, नील रेड बैंड पी ए 52 यूजेज. जीरो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ओके. लगता है 1,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 70 रुपये पे टैक्स लगेगा. ये आई एम श्योर, हाँ 70 रुपये पे टैक्स लगेगा.
नहीं, फॉर्मूला उल्टा पुला होता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ₹2,000 का टैक्स नहीं लगेगा डिविडेंड का। परसेंट 0%, 20%, 20%, 20% इनकम टैक्स लायबिलिटी। COA less payments on account income tax payable 843 आ रहा है मेरे को। 70% स्टिल इन डाउट, बट लेट्स सी। 4043 इनकम टैक्स पेबल, बट पीओ से पे किया था ना अपन ने। हाँ, टैक्स पेमेंट, द बैलेंस ऑन पेमेंट फॉर टैक्स पेयर 2023 ड्यू ऑन 31st जनवरी 2024 इज 843, पर पेमेंट्स ऑन अकाउंट फॉर टैक्स 2023-24 विल बी 2022 एंड 2021, सो दैट इज 50%। These will be due on 31st of January 2024 and 31st of July, बराबर। कैलकुलेट इनिशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2022-23 एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट फॉर टैक्स ईयर 2023-24। ओके, नेक्स्ट रेलेवेंट डेट्स। ओके, बेसिकली 31st of January 2024 और 31st of July 2024, राइट? July 24 को ये पे होते हैं, राइट? हाफ हाफ पे करने रहते हैं। पीओए से हम ऑलरेडी पे किया हुआ था, सो एक्चुअली ये चीज नीचे आएगी, इनकम टैक्स पेबल में ये चीज नहीं जाएगी। इनकम टैक्स पेबल विल बी दिस ओनली, यहाँ पर जो बाकी का हमने वर्किंग किया है, उसका बाकी के रिंग जो वर्किंग किया है वो क्वेश्चन नंबर सी में जाएगा। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।